जी, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने भिवानी ने अभी अभी जारी किया है ऑफिशियल नोटिस। अभी आई है बड़ी खबर आप सभी के लिए, 21 जून 2020 की वीडियो देखिएगा, लाइक नहीं तो अभी कर दें। हरियाणा बोर्ड से रिलेटेड प्रत्येक जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डाउट नेट पे होगा अब आपके सभी डाउट, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सभी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे, क्रॉप करे और सबमिट करे, 3 सेकंड में आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12वीं से लेकर के नीट, IIT, JEE Main एडवांस सभी की क्लासेस आपको इसमें मिलने वाली है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइएगा डाउनलोड कर लीजिएगा। विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने अपनी ऑफिशियल साइट पर प्रेस नोट जारी किया है। इसमें बताया गया है COVID-19 पर आधारित ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की द्वितीय चरण की परीक्षा का आयोजन 23 जून को किया जाएगा। यहाँ पे बताया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, 20 जून 2020 हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा COVID-19 से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बचाव हेतु जागरूकता लाने के उद्देश्य से ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता परीक्षा की द्वितीय अंतिम चरण का आयोजन 23 जून को करवाया जा रहा है। भाई बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगवीर सिंह एवं सचिव श्री राजीव प्रसाद ने संयुक्त रूप से आज यहाँ जानकारी देते हुए प्रेस वक्ता में बताया है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के तत्सद की कोरोना महामारी COVID-19 पर आधारित इस ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन 16 जून को किया गया था। आप सभी जानते हैं इस प्रतियोगिता में 28,265 परीक्षार्थियों द्वारा भाग लिया गया, जिसमें ग्रुप ए के कक्षा 6 से 8वीं तक के यहाँ पे 6,877, ग्रुप बी में 9वीं से 10वीं तक के 10,071 और यहाँ पे ग्रुप सी में 11वीं 12वीं के थे, जब 11,317 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया था। इन्होंने बताया कि इन प्रतियोगिता में दोनों ग्रुपों में सम्मान रैंक प्राप्त करने वाले कक्षा 6 से 8 तक के 306, कक्षा 9वीं से 10वीं के 311वीं और 12वीं के 303 परीक्षार्थी चयनित हुए हैं। द्वितीय अंतिम चरण की परीक्षा आयोजित 30 जून को 3:30 से 4 बजे की करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि द्वितीय चरण अंतिम चरण की परीक्षा निबंधात्मक होगी, जिसमें प्रतिबंध कंप्यूटर लैपटॉप व मोबाइल पर दिए गए लिंक के माध्यम से अपना उत्तर दे सकेंगे। इसके अतिरिक्त परीक्षार्थी नोटबुक पर अपना उत्तर लिखकर व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसी प्रतिभाग को 16 जून 2020 को आयोजित हुई मुख्य प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो पाए थे, उन्हें 17 व 18 को मौका भी दिया गया था। भाई ठीक है, तो ये नोटिस रिलीज़ किया गया है बोर्ड की तरफ से, आप सभी के साथ शेयर करना था। उम्मीद करूँगा आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। धन्यवाद।